नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। दिल्ली हिंसा पर किसान नेता ने माफी मांगी है और बोले हैं हम शर्मिंदा है, 30 को रखेंगे उपवास। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर किसान नेता शर्मिंदा है, 30 को उपवास रखने की बात उन्होंने यहां पर कह दी है। गणतंत्र दिवस के दौरान निकाली थी ट्रैक्टर परेड में, हिंसा हो गई थी, ऐसे में किसान नेता युद्धवीर सिंह ने माफी मांगते हुए कहा है कि हम शर्मिंदा हैं और 30 तारीख को उपवास रखेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर 26 जनवरी को दंगाइयों ने जिस तरीके से उपद्रव मचाया था, आंदोलन किया था और प्रदर्शन किया था, ऐसे में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे और जिस तरीके की तस्वीर निकल कर आई थी, ऐसे में किसान नेता अब शर्मिंदा हो रहे हैं और 30 तारीख को यानी कि 30 जनवरी को उपवास रखने की बात उन्होंने यहां पर कह दी है। और आप तक ये जानकारी भी पहुंचा दें कि दो किसान संगठन इस आंदोलन से अब पीछे हट चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पहुंचा रहे हैं, किसान नेता युद्धवीर सिंह ने माफी मांगी है। युद्धवीर ने कहा है कि हिंसा के लिए वो सभी शर्मिंदा हैं। किसान नेताओं के खिलाफ जारी होगा लुकआउट नोटिस, उपद्रवियों पर लगेगी आर्म्स एक्ट की धारा। दिल्ली में 26 जनवरी पर हिंसा मामले में एक्शन की शुरुआत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एक और खबर आ गई यहां पर सामने, जहां पर किसान नेताओं के खिलाफ जारी होगा लुकआउट नोटिस, उपद्रवियों पर लगेगी आर्म्स एक्ट की धारा। साथ ही साथ दिल्ली में 26 जनवरी पर हिंसा मामले में अब एक्शन की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को सख्त हिदायत दे दी है कि जिन नेताओं पर मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होगा, जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होगा उनके पासपोर्ट भी जब्त होंगे। इधर दिल्ली पुलिस ने 20 आरोपी किसान नेताओं को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, किसान नेताओं के पासपोर्ट भी यहां पर जब्त होंगे, 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी। दिल्ली पुलिस ने किसान नेता योगेंद्र यादव समेत करीब 20 नेताओं को नोटिस भेजा है। पुलिस का कहना है कि किसान नेताओं ने हमें धोखा दिया। हालांकि किसान नेता हिंसा को लेकर प्रशासन पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने रूट को लेकर कंफ्यूज किया, किसानों ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच लाल किला में उपद्रव के मामले में दर्ज FIR में आर्म्स एक्ट की भी धारा लगा दी गई है। कोतवाली थाना में पुलिस की ओर से 27 जनवरी को दर्ज FIR में आर्म्स एक्ट की भी धारा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक लगातार पहुंचा रहा है, जहां पर किसान नेताओं ने माफी मांगी और साथ ही साथ किसान नेताओं के अब पासपोर्ट भी जब्त होंगे, किसान नेताओं पर लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। 20 ऐसे किसान नेता जिनको लुकआउट नोटिस यहां पर भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।